Hello guys, this is Amitesh Dubey and today I'm welcoming you all in my channel Only Civil Services. So guys, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 था, है ना. इसके पहले लेक्चर नंबर 7 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है YouTube में और आपने काफ़ी सपोर्ट किया है लेक्चर नंबर 1 से लेके 7 तक. अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेक्चर है, जो एक लेक्चर नंबर 8 था, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल में आए हो तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है अगले लेक्चर की वो मिल सके, है ना. तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आप पहली बार आए हो तो, है ना. और अगर आप पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप पहले जो लेक्चर अपलोड किए गए हैं उनको देखो. मतलब बेसिकली 6th लेक्चर से आप ज़रूर देखो, क्योंकि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक अभी चल रहा है ये उसका पार्ट 3rd है ना. ये 3rd वीडियो लेक्चर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना. तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड लेक्चर नंबर 6th and 7th. ऑलराइट, देन कम टू वॉच दिस लेक्चर. सो लेट्स बिगिन. इस लेक्चर में क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, तो इस लेक्चर में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रहेगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 रहेगा और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए है क्योंकि एग्जाम्स में एमसीक्यू के फॉर्म में और मेंस में आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि आपको लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. सो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मेंस में मिल जाते हैं. अगर मेरी बातों का यकीन नहीं तो आप जाके पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो. 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी रूप से आपको मिल जाएगा ना. सो आगे इस मुहिम को बढ़ाते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं. एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो देखना तो एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखो, है ना. एक नोटबुक रखो और एक पेन रखो और अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाओ. शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहेगी, है ना, और आपको जल्दी से रिवाइज हो जाएगा. अपने शॉर्ट नोट्स, अपने नोट्स सबसे अच्छे होते हैं रिविज़न के लिए मेरे हिसाब से. अब आपका जो वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट होता है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पहले मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट जो आज का चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसको डिस्कस करेंगे, है ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको डिस्कस करते हैं. आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल ना, तो उसको डेजिग्नेशन दे दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है बंगाल वाला, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो असिस्ट करते हैं वो कौन करती है, ये बॉडी करती है, गवर्नर जनरल काउंसिल करती है. ऑल राइट, जिसमें 4 मेंबर मैंने बताया था, 3+1 वो लॉ कमीशन वाला मेंबर जो लॉर्ड मैकेले आ गया था ना, पिछले लेक्चर में आपको पता चलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया था. तो ये क्या करते हैं, लॉ मतलब लेजिस्लेचर का काम ये भी करते हैं, मतलब लॉ खुद ही बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी यही करवाते हैं ना, दोनों का फंक्शन सेम ही रहता है. ऑल राइट, सो अब इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड, अलग अलग कर दिया गया. इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव मतलब जो इसका इंप्लीमेंटेशन है लॉज का, वो अब कौन करेगा, अब ये गवर्नर जनरल काउंसिल करेगी. पर लेजिस्लेट या बनाने वाला काम कौन करेगा, उसके लिए एक अलग से बॉडी बना दी गई है ना. इस बात को आप अच्छे से समझो, लेजिस्लेट कौन करेगा मतलब कानून अब बनाएगा कौन, तो उसके लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 मेंबर की बना दी गई कि ये 6 लोग क्या करेंगे, ये 6 लोग बनाएंगे कानून, है ना, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल करेगा, है ना. मतलब आप देख रहे हो कि फंक्शंस को है सेपरेशन कर दिया गया, है ना, देयर इज द सेपरेशन इन द पावर. किस चीज़ का पावर, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन, है ना. सो लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स वर सेपरेटेड एंड द लेजिस्लेटिव पावर्स वर गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल विच कंप्राइजेज ऑफ 6 मेंबर्स विच एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट. इसको छोटा सा मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं ना. और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब ये जो रूल्स है ना, ये जो 6 लोग बनाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले मिलके, उसी को कौन फॉलो करवाएगा, ये गवर्नर जनरल काउंसिल वाले जो है ये फॉलो करवाएंगे. ऑल राइट, अगला जो पॉइंट है इस एक्ट का अगला पॉइंट है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 6 मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना. ये जो 6 मेंबर्स हैं वो क्या है, जो अपॉइंट होंगे, मैंने बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स हैं जो रूल्स बनाएंगे, है ना. तो उसमें ये जो 6 मेंबर्स हैं उसमें 4 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वो प्रोविंसेस ऑफ मद्रास से आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, बंगाल से आएंगे और आगरा से आएंगे. 4 लोग यहाँ से आएंगे, 2 लोग और कहीं से आएंगे, है ना. तो ये जो 6 लोग हैं ये टोटल मिलके क्या बनाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना. थर्ड पॉइंट है, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव
एग्जाम, सॉरी यहाँ पे एग्जाम भूल गया है, यहाँ पे एग्जाम होगा है ना, ओपन ओपन कॉम्पिटिशन, सॉरी सही है सही है, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन, मतलब एक तरह से ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा जिसमें इंडियन भी बैठ सकते हैं. बिफोर दिस इंडियंस वर नॉट अलाउ टू सिट इन द एग्जामिनेशन, है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होगा तो इंडियंस को अलाउ ही नहीं करते थे कि तुम नहीं बैठ सकते हो, है ना, यू आर नॉट सपोज टू सिट ऑन द एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट अपीयर ऑन द एग्जाम. ऑलराइट, बट इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि एक तरह से एक मुहिम लाई गई कि चलो ठीक है तुम भी बैठ लो एग्जाम में. उनको ये लगता था कि यार पास तो कर ही नहीं पाएंगे, एक काम करते चलो बैठने देते हैं तो इनका मुंह तो बंद रहेगा कि एटलीस्ट मतलब इनको ऑफर दिया गया है, इसको चांस दिया गया है कि या यू इंडियन पीपल कैन ऑल्सो सिट इन द एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं. आगे है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब वही चीज़ मैंने बताया कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात बता रहा हूँ, जैसे आज की डेट में होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम, है ना, गवर्नमेंट लेती है कि गवर्नमेंट जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना, जिसके लिए आप वीडियोज देख रहे हो. ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये मतलब ये जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, है ना. सो कमेटी ऑफ मैकॉले, जो है मैकॉले जी की कमेटी है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड मैकॉले जो आया था लॉ मिनिस्टर, लॉ का चेयरमैन था ना, इसी के चेयरमैनशिप में ही लॉ कमीशन बनाया गया था ना. सो पूरे लॉ को कोडिफाई करने का मैकॉले का एक तरह से एक वो है ना. सो इंडियन सिविल सर्विस कमेटी बनाई गई और 1854 में, जिसके तहत फर्स्ट एग्जाम जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था ना, वो फर्स्ट एग्जाम जो है 1855 में हुआ था. और जो पहले इंडियन हैं जो इस एग्जाम्स को, इस एग्जाम जो है ये हुआ था, इसको जो क्रैक करने वाले फर्स्ट इंडियन थे वो 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, है ना. तो अब नाम से ऑब्वियस ही बात है, पता चल रहा है कि बंगाल वगैरह के कहीं के होंगे. सो ये जो व्यक्ति थे ये फर्स्ट पर्सन थे हु हैड क्लियर दिस एग्जामिनेशन. All right, so let's begin with the next Charter Act. अब एक यहाँ पे बहुत ही की रोल प्ले करता है, मैंने जो फर्स्ट यहाँ का जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि ये 1857 होगा ना, ये की डेट है ना, की पॉइंट है, की ईयर है, जिसके थ्रू क्या होता है, सेपरेशन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का और किसके रूल का, ब्रिटिश गवर्नमेंट. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, है ना, तो बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल करती है, है ना. लेकिन 1857 का जब रिवोल्ट हो जाता है तो ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि यार ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये अब नहीं कर पा रही है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है किसको, इंडिया, जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, इंडिया में जो ब्रिटिश का शासन है, जो अंग्रेजों का शासन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर पा रही है, नहीं कर पा रही है फुलफिल, इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है. इसलिए जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो डायरेक्ट अंडरटेक कर लेती है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर देती है इसको और बोलती है अब डायरेक्ट ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन, वो अब डायरेक्ट रूल करेगा भारत में. सो बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द होल सोल रूल वॉज फॉर दीज ईस्ट इंडिया कंपनी, बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन केम इनटू द पावर. सो लेट्स बिगिन विथ ब्रिटिश क्राउन. अब ब्रिटिश क्राउन, अब आप हम लोग सब जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो मैटर ही खत्म हो गया. तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो पहला एक्ट आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इसके जो प्रोविजन है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एंड ऑफ कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, मतलब ब्रिटेन की जो सरकार है उसका रूल अब यहाँ से चालू होता है. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शासन चलता था ना, वहाँ पे जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपको पता होगा बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन मिल गया था. तो वो जो लास्ट गवर्नर जनरल अंडर कंपनी के रूल थे, अब यहाँ से आपको पता होगा कि 1857 के पहले पहले तक कंपनी का रूल था, तो वहाँ पे लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिन. अब जैसे ही ये खत्म होता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, तो अब स्टार्ट किसका होता है, ब्रिटिश क्राउन का रूल. अब ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट होता है तो अब यहाँ पे जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे ना, उनका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया, उनको क्या बना दिया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया. जो गवर्नर जनरल की उपाधि थी बंगाल वाले गवर्नर को, उसको अब वाइस रॉय बना दिया गया इंडिया का, है ना, वाइस रॉय ऑफ इंडिया.
तो अब देख रहे हो आप डेजिग्नेशन फिर से चेंज कर रहे हैं 1858 में। ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि फ्रॉम विच एक्ट द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज इन टू द गवर्नर सॉरी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। सो आपको याद रखना है कि 1858 वॉज दैट डेट है ना, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया के रूप में बदल दिया गया, और लॉर्ड कैनिन जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे, है ना, लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वाइस रॉय भी यही थे। अब अंतिम में कौन था, जब कंपनी का ख़त्म हुई तो अंतिम में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिन थे। तो जब कंपनी का रूल ख़त्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का रूल चालू हुआ, तो जो पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे ना, वो भी लॉर्ड कैनिन को ही बना दिया गया, क्योंकि ये कंपनी के अंडर में भी अच्छा काम कर रहे थे और इंडिया की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझते थे। तो इसलिए ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी ना, तो बोली कि तुम ही को लॉर्ड कैनिन भाई, तुम ही को ही हम बनाते हैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया, देखते हैं क्या कर पाते हो ना। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी कहा गया। क्यों कहा गया, कि मतलब अब ब्रिटिश की सरकार है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कंपनी नहीं चलाएगी, अब ब्रिटिश की सरकार खुद चला रही है, तो मतलब अब इंडियंस के लिए अच्छा गवर्नेंस लेके आएगी। जैसे हर एक सरकार चुनाव के टाइम पे नहीं बोलती कि अब हम जाके अच्छा सा आपको गवर्नेंस देंगे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देंगे, है ना, मतलब नए नए वादे करती है। इसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होने के बाद जो ब्रिटिश क्राउन थी, तो वो भारत के लोगों को यही बोलती थी कि अब अच्छा अच्छा आपको चीज़ें मिलेंगी, अच्छी अच्छी मतलब आपको एक तरह से रूल्स आएंगे, आपके ऊपर सख्ती कम की जाएगी, आपको एक गुड गवर्नेंस दिया जाएगा, है ना, इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है ना फॉर इंडिया। अब ये क्या मतलब हुआ, ये एक रैंक है, एक ये पोजीशन है ना, एक पोजीशन बनाई गई। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, ये एक व्यक्ति है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोजीशन है, जैसे आईएएस की पोजीशन है वैसे ही मान के चलो आप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोजीशन है जो कि ब्रिटिश में, वहाँ ब्रिटेन में रहेगा, है ना, इंडिया में। इंडिया का सर्वोसर्वा किसको बना दिया गया, वाइस रॉय को, है ना। तो इंडिया में कुछ भी होगा जो ब्रिटिश सरकार का जो एक तरह से एक क्या बोल सकते हो आप, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में कौन है, वाइस रॉय, जो कि इंडिया में ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करेगा और ब्रिटिश सरकार को चलाएगा इंडिया में, ठीक है। ये वाइस रॉय है ना, ये किसको रिपोर्ट करेगा, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक मिनिस्टर होगा, है ना। ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक बंदा है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, इसको एक मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। तो ये जो वाइस रॉय है, जो भी इंडिया में एक्टिविटी होंगी, मतलब इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना, तो ये जो भी मतलब ब्रिटिश सरकार का इंडिया में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये जो भी इंडिया में एक्टिविटीज होंगी उसको जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा, और फिर ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बताएगा कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है ना। तो जवाबदेही जो है वाइस रॉय की है, किसके ऊपर, इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जवाबदाही है पार्लियामेंट पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी होगी, है ना। सो ही विल लिव इन ब्रिटेन, है ना, एंड वाइस रॉय विल रिपोर्ट हिम, इसमें लिखा हुआ है। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, इसको असिस्ट करने की एक टीम बना दी गई 15 लोगों की, है ना, 15 मेंबर काउंसिल एस्टेब्लिश टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 15 लोगों की काउंसिल किसको असिस्ट करने के लिए बना दी गई, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, कौन लोग, 15 लोग, ठीक है। अब देखो यार, कंपनी का जब रूल ही खत्म हो गया है ना, आपको बताया था मैंने सेकेंड लेक्चर में पिट्स इंडिया एक्ट वाले में, तो मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि जो एवोल्यूशन ऑफ जो ये सीओडी और बीओसी थे ना, अब जब कंपनी ही नहीं रही तो इनका क्या मतलब है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये इनका भी एवोल्यूशन हो गया, है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एक्ट के, इसको आपको याद रखना है। अगला जो एक्ट है इसमें चलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट फिर से है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछता है। अब मैं बता दूं कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात की गई। अब यार आपको पता होगा कि 1858 में आप जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था, तो रिवोल्ट इसीलिए हुआ था कि इंडियन से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा था, इंडिया की कंट्री है, विदेश का कोई व्यक्ति आके विदेशी हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, वही रूल बना रहे हैं हमारे लिए कि हमको क्या करना है, ये कौन सी बात हुई। तो जो भारत के लोग थे ना, उन्होंने रेजिस्ट किया और बोला कि इंडियंस को भी शामिल किया जाए, किसमें, मतलब इंडिया एक तरह से, इंडियंस जो थे वो बहुत भड़क रहे थे इनके रूल की वजह से, है ना, ब्रिटिश सरकार के जो एक तरह से मतलब
जो एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे इंडियंस जो थे, तो जब रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने सोचा कि चलो यार कुछ इंडियंस को भी रख लिया जाए, तो तीन इंडियंस को रख लिए थे, है ना, तीन मेंबर्स को इंडियन में, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ये भी बता दूँ, कोई ऑफिशियल मेंबर्स नहीं थे, बस इनका मुंह चुप करवाने के लिए इंडियंस का इन्होंने 1861 के तहत ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन में से तीन व्यक्तियों को ले लिया था। इसी को रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, मतलब इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन हो किसमें, कानून बनाने में, कानून को फॉलो करवाने में। ऑल राइट, सो ये इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास। आपको मैंने बताया था कि जो बंगाल और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में भी बताया था, और पिस इंडिया एक्ट उसके बाद के भी जो फॉलोइंग एक्ट्स थे उसमें भी मैंने बताया था कि जो कानून बनाने का अधिकार था बॉम्बे और मद्रास का, वो पूरी तरह से किसको दे दिया गया था, बंगाल को दे दिया गया था। लेकिन अब वापस से कानून बनाने का अधिकार एक तरह से सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब कुछ पावर वापस से बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को दे दिए जा रहे हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब जो तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है वो पोर्टफोलियो सिस्टम एलोकेशन होता है। पोर्टफोलियो मतलब मैं बता दूं, पोर्टफोलियो मतलब होता है डिपार्टमेंट। कैसे, जैसे आपको देखा होगा आप प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो प्रधानमंत्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर जो होते हैं वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर हो गए, है ना, एक्सटर्नल मिनिस्टर हो गए, है ना, एचआरडी मिनिस्टर हो गए, और डिफेंस मिनिस्टर हो गए। तो ये इनका क्या है, ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मतलब एक इनका अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया कि भाई देखो तुमको गृह मंत्रालय संभालना है, तो ये तुम्हारा पोर्टफोलियो हो गया, है ना। एक्सटर्नल मिनिस्टर को दे दिया गया कि मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री तुमको संभालनी है, जो भी फॉरेन से जो भी रिलेशन है ये सब तुमको देखना है। डिफेंस मिनिस्टर को दे दिया गया कि युद्ध होगा, डिफेंस के इक्विपमेंट्स होंगे, ये सब का काम तुम्हारा है डिफेंस मिनिस्टर। तो ये एक पोर्टफोलियो एलोकेशन हो गया। तो इस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन कर दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत। ऑलराइट, जो चौथा है और वो इंपॉर्टेंट है वो ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस मैं बता दूं कि अभी भी इंडिया में भी जो ऑर्डिनेंस का जो पहली बार कहीं पे भी जिक्र किया गया था वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में इनडायरेक्ट वे में किया गया था, है ना। इसमें अगर क्या होता है, अगर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को बिना पूछे किसी से अगर कानून बनाना है, किसी से बिना पूछे, है ना, तो अगर इमरजेंसी है तो वो कानून बना सकता है किसी के अप्रूवल के बिना। कौन, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनाएगा, और ये 6 महीने तक कानून चलेगा। इसकी अवधि सिर्फ 6 महीने तक होगी। अगर 6 महीने से आगे बढ़ाना है ऑर्डिनेंस को तो इस कानून को क्या करना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा, है ना, सहमति लेनी पड़ेगी। तो अब आगे जब मैं आपको पॉलिटी के आगे के लेक्चर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको वीटो पावर्स पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट के, तो ऑर्डिनेंस या ये सब के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना, प्रेसिडेंट टाइम पे, है ना, जब यूनियन पढ़ाऊंगा। अंतिम एक्ट है आज का कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। एक तो जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन हुआ था, एक इसको एक तरह से अपनाया गया था, लेकिन जो ये इलेक्शन का सिस्टम था ना, ये इनडायरेक्ट वे में हुआ था, ये भी एक चीज़ याद रखो, है ना, इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये पिछला एक्ट है ना, ये वाला एक्ट, इसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात किया था ना, जिसमें तीन मेंबर्स को ऑलरेडी ले लिया गया था, तो इस तीन मेंबर्स को कौन लिया था, ब्रिटिश सरकार ले ली थी, डायरेक्ट ले ली थी, है ना। तो अब ये एक तरह से इलेक्शन थोड़ी ना हुआ, ब्रिटिश सरकार गई और तीन लोगों को, राजा ऑफ पटियाला था शायद, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और एक और कोई व्यक्ति था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका नाम। तो ये जो तीन लोग थे, तो इन तीन लोगों को क्या किया था, एक गवर्नर, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि तीन लोगों को ले लिया गया मूव बंद करने के लिए। लेकिन अब जब ये एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है, इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मैनर में एक इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन मतलब कि एक तरह से सुझाव लिया जाता है, जो प्रोविंस होते हैं ना, जो स्टेट होते हैं ना, जैसे आपको पता होगा कि आज की डेट में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है ना, गुजरात है, तो इन सब स्टेटों से जो था क्या किया गया था, रिकमेंडेशन ली गई थी कि यार किसको अपने मतलब जो कानून बनाने में, एग्जीक्यूशन में उसके कुछ मेंबर्स को, इंडियन मेंबर्स को लेना है, तो वही है इनडायरेक्ट मैनर में इलेक्शन, है ना। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ था कि मतलब लोग जाके वोटिंग कर रहे थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और पावर ऑफ बजट डिस्कशन, बजट जैसे आज की डेट में भी ना निर्मला सीतारमण जी बजट डिस्कशन करने आती हैं ना, तो जो अपने फिनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट डिस्कस करते हैं ना हर साल का, तो उसी तरह से बजट डिस्कशन का भी प्रोविज़न इस एक्ट के थ्रू आया था 1892
टू के तहत, ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद रखना है क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर अब जब बजट डिस्कशन होगा तो उस पर क्वेश्चन उठाने का भी अधिकार भी किसको दे दिया गया, सरकार जो मेंबर्स थे उनको दे दिया गया कि चलो ठीक है अगर आप बजट डिस्कस कर रहे हो तो बजट पे हम क्वेश्चन भी पूछेंगे कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। सो ये सब चीज़ें जो थी ये इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना। ये एक्ट आज का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप वीडियो को देखे इसके लिए थैंक यू। और आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, और है ना, और हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक चैनल पे आप हमको कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से कांटेक्ट करो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक करो, पर करना ज़रूर कुछ ना कुछ, है ना। कमेंट करो, अगर आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ डाउट्स है तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, इससे आप हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बना सकें, है ना। आपने काफ़ी सपोर्ट किया है लेक्चर 7 तक, तो उम्मीद है कि फ्यूचर लेक्चर्स में भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, है ना। ये जो वीडियो लेक्चर है इसका स्टेटस जो है अपने व्हाट्सएप में इसका लिंक डाल दो यार, ताकि लोग देखें। कीप शाइन। थैंक यू वेरी मच।